अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, क्या हाल है आप सबका। अल्लाह ताला करे कि आप सब खैरियत से हों, खुश हों, इत्मीनान में हों। अल्लाह पाक हम सबको अपने हिफ्ज अमान में रखे, हमारे बच्चों को, हमें। आपको पता है कि जैसे सारी दुनिया में कोरोना वायरस फैल रहा है, तो अल्लाह ताला हम सब पे रहम करें, हमारे गुनाहों को अल्लाह पाक माफ़ करें और हमें अच्छे काम करने की तौफीक अता फरमाए। ये मैं चलिए स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। ये मैं कुछ शॉपिंग करके लेके आई थी, हनी लेके आई थी जो मैं आपको दिखा रही हूँ। और ये है योगर्ट, फुल क्रीम योगर्ट है, साथ फुल क्रीम मिल्क है, बटर। और साथ लेके आई थी बटर स्प्रेड, फर्स्ट टाइम ये वाला ट्राई कर रही हूँ। आई थिंक एक दफ़ा पहले लेके आई हूँ, बट आई एम नॉट श्योर। मुझे खुद ही कभी कभी इसका शौक आता है बटर स्प्रेड का। और अंडे ख़त्म हो गए हुए थे, वो लेके आई हूँ जो हमारे घर में बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं और सबसे ज़्यादा मैं ही खाती हूँ। पीस मटर लेके आई थी, फ्रोज़न पीस थे, और इसका छोटा पैक उठा के लेके आई थी क्योंकि फ्रीज़र में जगह नहीं थी। इसकी भी एक स्टोरी है जो किसी दिन आपके साथ शेयर करूँगी। खीरा, टोमेटो ख़त्म हो गए थे, वो लेके आई थी। फ्रेंच फ्राइज थे बच्चों के लिए, और लेके आई थी एक सब्ज़ धनिया, बहुत ज़्यादा फ्रेश था। आजकल चटनी का मुझे दौरा पड़ा हुआ है, ग्रीन चटनी बना के खा रही हूँ आजकल घर में, बच्चों को भी दे रही हूँ। बच्चे तो नहीं है लेकिन हस्बैंड और मैं अच्छी हंसी दबा के खा रहे हैं। साथ में लेके आए थे एप्पल्स, ये दो किस्म के थे, ये ब्लैक थे और एक गोल्डन थे। गोल्डन वाले बेटे को पसंद है और ये डार्क कलर वाले ना हमें खुद पसंद है, तो इसलिए फिर थोड़े थोड़े दोनों तरह के लेके आए थे। अभी मैं बेटी को स्कूल लेने जा रही थी और आज बड़ी अच्छी सारी धूप निकली हुई थी, मौसम बड़ा अच्छा था, हवा भी नहीं चल रही थी, तो मैंने कहा चले गाड़ी पे जाने के बजाय पैदल चलती हूँ। इधर अंदर से एक शॉर्टकट रास्ता है तो तकरीबन 5-6 मिनट लगते हैं उसमें, वॉकिंग डिस्टेंस 5 to 6 मिनट्स का। इधर मैं आगे इतनी प्यारी ग्रास लग रही थी, ये जो लेक है ना ये पूरे यूके में है, इसमें से बोट्स भी गुजरती हैं छोटी वाली, तो डक्स बेचारी ना वो भी धूप में बैठी हुई थी, कभी कभी तो धूप का मुंह देखने को मिलता है। और साथ साथ मैं दूर पाक पढ़ती हुई जा रही थी, इतना सुकून मिल रहा था। एक तो मौसम अच्छा था, ऊपर से दिल में इत्मीनान था कि नमाज़ वगैरह पढ़ के आई थी और साथ दुरूद शरीफ पढ़ रही थी। तो एक मैंने रिक्वेस्ट करनी थी कि आए सब मिल के अपने आप से एक वादा करते हैं कि कलमा पाक, पहला कलमा जो है वो, और दुरूद शरीफ, इसकी कसरत से तस्बीह किया करें, क्योंकि कुछ अपने लिए भी कर लें कि दुनिया के काम तो ख़त्म नहीं होने और हमें अपने आखिरत के लिए भी कुछ तैयारी करनी चाहिए। और डेली कोई दिन अगर इस तरह का गुजर जाए ना जिसमें मैंने कुछ ना इस तरह का किया हो, पढ़ा ना हो, पढ़ाई ना की हो, नमाज तो अल्हम्दुलिल्लाह, ये मैं प्लीज़ शो ऑफ करने के लिए नहीं कह रही हूँ, ये आपको मोटिवेट करने के लिए कि नमाज तो पढ़ती हूँ लेकिन ना जिस दिन ये एक्स्ट्रा थोड़ा ना करूँ तो वो समझती हूँ कि वो दिन थोड़ा ज़ाया हो गया है। अच्छा, इधर मैं बच्चों को स्कूल से ला के तो फिर मैंने इन्हें नहला दिया था और ये खाना खा के तो बैठे हुए थे, शरारतें कर रहे थे। ये बेटी है मेरी छोटी अलीज़ फातिमा और बेटा है मेरा बड़ा मुस्तफ़ा, सैयद मोहम्मद मुस्तफ़ा। और इतने दिन से मुझे कह रहे थे कि मामा हमें भी अपने यूट्यूब चैनल पे इंट्रोड्यूस करवाएं। खुद भी इन्होंने बनाए हुए हैं अपने चैनल, उसने गेमिंग का बनाया हुआ है, बेटी ने क्रिएट किया हुआ लेकिन उसको वीडियोस बना के अपलोड नहीं करनी आती और उसका इतना इस साइड पे ना इंटरेस्ट नहीं है। वो मुझे कहती है मामा ये जो आपका चैनल है ना ये मेरा भी है, ये हम दोनों शेयर करते हैं। मैंने कहा चलो ठीक है। तो ये दोनों बैठे हुए थे, ये अपनी स्टोरीज वगैरह सुना रहे थे। तो शाम को बच्चों ने स्कूल से आया तो लेट खाना खाया था, तकरीबन 5:30 के अराउंड। तो फिर मैंने शाम को इन्हें खाने के लिए कुछ हैवी नहीं था बना के दिया, कि फ्रूट्स वगैरह भी इन्होंने खाए थे तो चिप्स मैंने बना दिए और साथ केचप दे दिया।
और ये जो बैठी हुई है ना, सात बेटे, ये तो कैचअप किलर है। साथ बैठ के ये टीवी देख रहे थे क्योंकि अपनी टैब्स और कंप्यूटर्स वगैरह का ये टाइम अपना ले चुके थे। और वो जो साइड पे आपको वॉल नजर आ रही है गीली सी, उस साइड से ना पाइप लीक हुआ हुआ है, जो छत से नीचे पानी गिरता है ना उसका। और मैं एज यूजल अपने हीटर के आगे बैठी हुई थी। ऑल तो मैंने सेंट्रल हीटिंग ऑन की हुई थी, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ठंड बहुत ज़्यादा लगती है। तो बच्चे टीवी पे ये प्रोग्राम देख रहे थे, है तो वैसे बड़ा सिली सा प्रोग्राम, बट स्टिल बच्चे हैं, उनकी अपनी चॉइस है। वो देख रहे थे। मैंने कहा थोड़े ये हम लोग ये सिटिंग रूम में बैठे हुए हैं अपने, और ये अपनी पेट पूजा हो रही है जिन, और साथ फुल मस्ती में आए हुए हैं कि वीकेंड नाइट है, मामा हम लेट सोएंगे। चलें जी, इसके साथ ही आज के ब्लॉग का एंड करते हैं। आपसे प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करनी है, प्लीज़ आप देखते हैं तो इसे सब्सक्राइब भी प्लीज़ करते हैं। हम लोगों ने एक दूसरे को साथ लेके चलना है। सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, और मैं वेट करूँगी आपके कमेंट्स का। इंशाल्लाह फिर बात करेंगे। अल्लाह हाफिज़।